नमस्कार, आप देख रहे हैं VUVA न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। तो चलिए आज उस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है। आज हम बात करेंगे जेंडर पॉलिटिक्स की, जो ना केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक अहम पहलू भी है। किसी भी समाज की प्रगति का माप उसकी महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है, लेकिन क्या हम सचमुच इस पैमाने पर खरे उतरे हैं? महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का इतिहास, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है। भारत में सावित्री बाई फुले, रानी लक्ष्मी बाई और बाद में सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने इस दिशा में अच्छा योगदान दिया। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, मत अधिकार हो या सम्मान वेतन की लड़ाई, हर कदम पर महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है। आज भी संविधान में समानता का अधिकार होने के बावजूद महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमारा लोकतंत्र महिलाओं को सम्मान रूप से प्रतिनिधित्व दे पा रहा है? 1993 में संविधान का 73वां संशोधन हुआ, जिसने पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। यह कदम ऐतिहासिक था क्योंकि इससे लाखों महिलाओं को राजनीतिक मंच मिला, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में यह संख्या अभी भी चिंताजनक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 14% सांसद महिलाएं थी। वर्तमान चुनौतियों और समाधान महिलाओं के राजनीति में शामिल होने की राह में आज भी कई बाधाएं हैं। सबसे पहले तो यह सोच कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा शक्ति और प्रभाव होता है। उसके बाद शिक्षा और आर्थिक असमानता, हिंसा और धमकी का डर। इसके समाधान के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक लागू करना, उनकी सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, उन्हें राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साधन उपलब्ध कराने होंगे। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। महिलाओं को उनकी राजनीतिक भूमिका में सशक्त बनाना सिर्फ उनकी जरूरत नहीं बल्कि पूरे समाज की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि महिलाओं के अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी को न केवल प्रोत्साहित करें बल्कि इसे वास्तविकता बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VUVA न्यूज़।